आंटी आंटी छोड़ो मुझे जाने दो, मोंटी की जान खतरे में। हाँ तो वो बंदा गया है ना वहाँ पे, तू क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही है? मैंने गाड़ी का नंबर देख लिया, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, छोड़ो मुझे। चलेगी तो हमारी जान निकलेगी। हाँ बाबूजी। कार्ती, ये बात होगी। बाबूजी वो मुन्नी। ये बकरी है तो? जी बाबूजी हम जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। मैं तोते की तरह चोंच काट कर फोटो खिंचान के पीछे ना देता मैं। अरे फीस पठाई बनके उसके साथ रहने की है, उसकी रक्षा करने की है। जी जी बाबूजी। जा जा करो अपने। चलो भीम प्रताप। क्या हुआ भाई साहब? इस भैंस की पूछ ने आपकी भौहें चढ़ा दी भाई साहब। अरे गाड़ी काट दो जल्दी। ऐसे अचानक कौन सी बात का गुस्सा अड़े कर गए हैं? भगवान करे सब ठीक हो। Take care of it. Let's go.
सुन, कॉलेज के पास जो नहर है ना, वहां आ जा, मोंटी ने अस्पताल ले जा। मुन्नी, मेरे बैग दो आंटी। किसे फोन कर रही हो? बाऊजी को। आरती अब बाऊजी है जो मेरी और मोंटी की हेल्प कर सकते हैं। बाऊजी को फोन कर दिया है मैंने। क्यों गया लाडो? ना ना देख, ऐसे रोते ना है। हुआ क्या हो गया? थारी जबान चपक गई कर लेता है जो मुंह नहीं खुल रहा, तो बताओगा क्या हो गया? क्या हो यार? बाबूजी, वो लोग। अच्छा तू घर चल। अच्छा बिट्टू, तू इतने चाय छुड़ा करा, उड़े उड़े मोंटी ने बेहोशी की चादर तान रखी। तो क्या करूं मैं, लाडू बाटू? पर मैं सफेद कोट वाला डॉक्टर ना हूं, हैं? क्या करूं, जाके इंजेक्शन घोपू साले के पिछाड़ी में? डॉक्टर के हाड़े मोंटी के दवाई मैंने दे दी है, होश आ जाएगा थोड़ी देर में। तब तक तुम लोग पुलिस को बयान दे दो। ये हो गया। अजी, क्लीन बोल्ड हो गया हमारा दोस्त। क्या मतलब? मतलब कुछ ना है, फ्रेंडली फाइटिंग थी जी। चॉकलेट को लेके हमारे दोनों दोस्त एंटी हो गए। उनने हमें ना दी तो हमने लेट से घूमड़ सुझा दिए। एक यहाँ आगे पड़ गया, एक चॉकलेट की बद पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और सीरियस मामला होता तो फिर आपने सीधे शमशान आना था, अर्थी को कंधा देना। ये बातों की चॉकलेट मन्ने ना खिला। कुछ जैसे 36 छोरे रोज आते हैं हमारे थाने में हाजिरी देने के लिए। अब सच सच बता, के मामला से? अमरीका के डॉलर और बिट्टू के कॉलर पे यू हाथ डालना महंगा पड़ सकता है। धमकी दे रहा से मन में सड़ा दे रहा हूं। फ्रेंडली एडवाइस, मैं कह रहा हूं टाइम वेस्ट ना करो यार। वो अंदर जो बेहोश पड़ा है वो बाहर आके भी बयान देगा। उस केस में छोड़ो, जाके परदेश की रक्षा करो। सुनो डॉक्टर जी, जैसे ही वो छोरा हाउस में आ जाए मारे को फोन मारो। जी फोन करूंगा आपने। बिट्टू, ये मामे को कौन सी झूठ मुठ की चालीसा सुना रहा था तू? जब मोंटी ने किसी और ने मारा तो तूने क्यों बोला? क्योंकि अच्छे से पता है वो कौन है। ये उस पड़ोती और उसके घर वालों की रचाई रामलीला है, जिसके पर्दे अब मैं फाड़ूंगा। मारा फोन दे। दुबे भाई, कड़े हो भाई? गाड़ी की नंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, कड़े मिलेगी? नंबर है। मोटर किसकी है ये मालूम है? बड़े ठाकुर की। बावड़ा हो गया के? बड़े ठाकुर से कौन सी जिद्दा जोरी करनी है तन्ने? अरे दूर रहे उनसे। दुबे भाई, चिंगारी उनने फूकी है, आग मैं लगाऊंगा। बस आराम से बैठ कर आपने हाथ सेको, चिंता ना करो, थाना नाम ना दूंगा। अरे लेकिन
हेलो बिट्टू। बिट्टू मोंटी अपना ठीक तो जाएगा ना? मोंटी ने याद करके रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? ले लाडो पानी पी। नहीं भाभी माँ, मुझे नहीं चाहिए। और आप लोग मान क्यों नहीं रहे? मोंटी की कोई गलती नहीं थी। और बाबूजी, आज कॉलेज में रोज डे था, मैंने उसे सिर्फ रोज दिया। वो बेचारा तोतला है, पर आर्ची ने उसका फ्रेंडशिप रोज रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसका दिल रखने के लिए मैंने उसे रोज दे दिया। पर बाबूजी, वो मुझे अपनी बहन की तरह ही मानता है। होगा वो कैसा होगा, मुझे उसके बारे में जानना है, मुझे जानना है बाबूजी। हाँ तो देख, तना छोरे की हाल खबर चाहिए ना तो ला देंगे। तो एक काम कर, तू थोड़ा सा आराम कर ले अपने कमरे में जाके। हाँ लाडू, तूने तो खाना भी नहीं खाया होगा, चल तुझे खाना खिलाती हूँ और तू अपने कपड़े भी बदल लेना। अच्छा नहीं भाभी माँ, जब तक मोंटी के बारे में मुझे कोई खबर नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और बाबूजी, उस गाड़ी का नंबर भी मेरे पास है। मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, तू अपने कमरे में जा। और मैं भी बोल रही हूँ ना, मैं नहीं जाऊंगी। मुन्नी, ये भाई साहब ने कह दिया ना तो हो जाएगा, प्रॉमिस किया उन्होंने, थोड़ा वेट कर लेते। ठीक है, अगर आप लोग मुझे मोंटी के बारे में नहीं बताना चाहते फिर मेरी भी एक बात सुन लीजिए। जब तक मुझे मोंटी की कोई खबर नहीं मिलेगी ना मैं कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। देना पड़ेगा। अरे जाओ उसके पीछे, जाओ उसके कमरे में, बाकी मैं संभालता हूं। बड़े भैया ने कहा है कि हमें मुन्नी के साथ रहना है, सुना मैंने जीजी, पर मैं झूठ नहीं बोलती। अब अगर मुन्नी ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने सच बोल दिया तो मेरी तो जान चली जाएगी ना। सारे लोग कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मुन्नी से जुड़ी कोई भी बात किसी ने उठाई उसे मैं इस दुनिया पर उठा दूंगा, तो चाहे वो मेरी बीवी हो या फिर इस दर से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य है, अपने इन दो हाथों पे मारूंगा। तो अच्छा है कि मैं रसोई संभालती हूँ और आप दोनों मुन्नी को। सारे आदमी खच्चर है।
अगर उनका धोखेबाज ऐसा इतने सालों पुराना सच मुन्नी को पता चला तो मारी परी कराई मेहनत में पानी फिर जाऊंगा। भाई साहब तो गलत समझ लिया उन्होंने, जैसे ही मोंटी मुन्नी के पास गया तो पिल पड़े हमारे पहलवान हुक्का पानी लेकर उस पर। अब भाई साहब कानून तो यही रटा है ना हमने उन्हें कि हमारी मुन्नी के आसपास कोई भी मंडराएगा ना तो जूते लात खाएगा। अपने कायदे कानून को अपनी गोद में डालतू, मने बस वो छोरा चाहिए। पर भाई साहब वो छोरा तो चोकटा सुजा के हॉस्पिटल में पड़ा है, इतके करना है उसका क्योंकि मुन्नी ने जिद करी है। पर भाई साहब मुन्नी की हर जिद पूरी करना सुबह ना सुनी था ना उसकी, जिंदगी में पहली बार उसने कोई जिद करी है और जब जिद हद तक आगे बढ़ जाती है तो बगावत बन जाती है। बस मने वो छोरा चाहिए किसी भी हाल में ताकि एक ही बार में एक ही झटके में मुन्नी की जिद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे हम लोग। बस एक कोर खा ले मुन्नी, उसके बाद ना मैं तने एक मस्त जोक सुनाऊंगी। भाभी एक और लड़का था जो मोंटी के पीछे उसको बचाने दौड़ा था, उसकी शक्ल याद है मुझे, हो सकता है उसे पता हो मोंटी के बारे में। जब तक आप लोग मोंटी का पता नहीं करवाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है लाडू, मैं थारे बाबूजी से पूछ कर आती हूँ, बस तो खाना खा ले। आरती मैं बोल रही हूँ, मोंटी का कुछ पता चला? रे उठा फोन। भाई साहब लगता है पूरी शराब की भट्टी झोंकड़ी है कलेजे में सतरों ने, धुत पड़े होंगे, कोई फोन नहीं उठा रहा है। अरे तो पता कर वो गाड़ी कित है, पता कर। ये तो कोई गाड़ी की आवाज है, अरे चलो। अरे पागल हो गए क्या? अरे गेट तोड़ दिया। भीम भाई अरे ये तो वही गाड़ी है, अगर मुन्नी ने देख ली तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, नंबर पहचान दी हुए सर। पागल हो गए क्या? भाई साहब ये सब किसने किया होगा? तुम दोनों अंदर जाओ ताकि मुन्नी बाहर ना आ सके। और भाई साहब ये घायलों की मालगाड़ी का क्या करना है? मालगाड़ी के बारे में बात में सोचेंगे, सबसे पहले यो पता लगाना है कि ये काम करा किसने है। मुन्नी के बाबूजी जल्दी आइए। पत्थर पे तोड़ दो, तुमने मारा दोस्त सूता तो थारी बहन को कैसे छोड़ दो? तो
बड़े चौधरी, यो मामला टोटल रिवेंज का है जी। उठा के ले जा रहा हूँ, तो ढूंढ सको तो ढूंढ लियो। पत्थर पे तोड़ दो तो सूता उठा के ले जा रहा हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.